और डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया के अमीर तरीन अफराद को झटका, चीन को धमकी देने पर बैन अल-अक़वामी मार्केट में मंदी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी के बाद दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत डूब गई और उन्हें अरबों डॉलर्स नुकसान का सामना करना पड़ा। कारोबारी जरीदे फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज बैन अल-अक़वामी मार्केट में शदीद मंदी देखी गई है और इंडेक्स 500 पॉइंट्स कमी पर बंद हुआ। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज चीन को धमकी दी थी और ये दावा किया था कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि कोरोना वायरस को वुहान की लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। ट्रंप की धमकी के बाद बैन अल-अक़वामी मार्केट में सरमायाकारी करने वाले दुनिया के अमीर तरीन अफराद को शदीद धचका पहुंचा है और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मैगजीन रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान का सामना अमेज़न कंपनी को करना पड़ा है। जेफ बेजोस को एक ही दिन में 11 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के नुकसान का सामना करना पड़ा। जेफ की साबिका अहलिया को 4 अरब डॉलर्स के खसारे का सामना करना पड़ा। दूसरी जानब टेस्ला कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इलॉन मस्क को 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को 1 अरब 20 करोड़, जबकि फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स के नुकसान का सामना करना पड़ा।